मनाली के छोटे से एयरपोर्ट के बाहर की चहल पहल के बीच कुणाल ने अनिका को पूछा, अरे मिस मिस, अपना नाम तो बताती जाओ। ये सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़ी ही तेज और कटीली नजर से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका कुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कंफ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनिका क्यों बताया होगा। लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनिका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो ना? अब तक कुणाल भी अनिका के नाम वाला बोर्ड देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड का लिखा नाम पढ़ रही थी, इसलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। कुणाल की ये बात सुनकर अनिका ने उसे एक एरोगेंट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलाने को कह दिया। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पकड़कर कुणाल के सामने से निकल गई। दो पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया, इसलिए हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर को कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन से होटल में रुकी है, और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन्स लगाए और वो टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जीन्स, स्पोर्ट शूज, टी शर्ट, छोटे बाल और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनिका ने बिना फोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर किया और आंखें बांध कर बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले तूफान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5-स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रही राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतजार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गए। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के ये शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। बेलबॉय अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाता हुआ बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंशियल सुइट में है जो होटल के टॉप फ्लोर पे है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेलबॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, मैडम इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा है हमारे होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का, वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पे पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाजा खोलने पर अनिका ने देखा कि ये फ्लोर होटल के बाकी के फ्लोर से ज्यादा सुकून वाला था, इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस न किया हो। अनिका के रूम के पास जाकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाजा लॉक किया। वो कार्ड अनिका के हाथ में देकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर लेकर आई और उसने रूम का दरवाजा बंद किया। प्रेसिडेंशियल सुइट एक काफी लग्जूरियस अपार्टमेंट था, मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नजारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंशियल सुइट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थक कर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चद्दर उड़ा ही रही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फोन आ रहा था। अनिका की आवाज से कहीं रिया जाग न जाए
इसीलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद करके फोन उठाती है। जैसे अनिका ने फोन उठाया, गौतम ने गुस्से से तिलमिलाकर कहा, अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटे एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? इस पर बड़े ही शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। ये कहती अनिका ने फोन काट दिया। न जाने क्यों, लेकिन अनिका काफी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही, जिनसे अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतजार करने लगी। तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राज लक्ष्मी का फोन आया। अनिका ने फोन पिक किया तो राज लक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा कि मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। याद है ना, आपको रोज कंपल्सरी 8 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज मुझे बताती आ रही हो, या कुछ नई बात बताने के लिए फोन किया है? राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम क्या करूं मैं, फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही हैं और आप भी मनाली में ही हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं, इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है, बुजुर्गों की प्रॉपर्टी, बिजनेस या और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए, और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है, उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम, और हाँ, इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने को मर मिटने को तैयार होती हैं। और आप है कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो उसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो, रोहित का फोटो भेजूं? अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा, अगर ऐसा है तो तुम ये काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता को चेहरे से कोई नहीं जानता, यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है ठीक है, होप यू एंजॉय योर वेकेशन, और हाँ, रोहित की फोटो भेजूंगी, एक बार देख जरूर लेना। इससे पहले कि राजलक्ष्मी अपनी पूरी बात कर पाती, अनिका हंसते हुए फोन काट देती है। लेकिन इसके पहले कि अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती है। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई, पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एक टक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद से अचानक उठकर उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस किया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी, ठीक है? चलो अब जाओ कमरे में और आराम कर, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम खेलो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना, हाँ, मामा विल मिस यू एंड मामा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम के बाहर कैसे आ गई थी? अनिका के लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और उसमें से एक 26-27 साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज,
ब्लैक ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आदमी था मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यन? आर्यन? जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, उसी बच्ची को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात तो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी, यानी कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन था, और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था लेकिन आर्यन की नजरें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल कत्थई आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरता हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया। रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज देते हुए कहा, आर्यन ध्यान का है तुम्हारा, सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है, तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो ये देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आ गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहां तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वही आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर, जो 6 साल पहले तक खंडर जैसा था। लेकिन अनिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहां यंग लड़के लड़कियां अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामिनी। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिरने की आवाज आई। अनिका ने आवाज की दिशा में घूम कर देखा तो एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? डरी सहमी प्रीति ने दबी आवाज में कहा, हाँ अनिका दीदी सबसे ज्यादा सुंदर है। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। कामिनी ने बड़े स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी।
कामिनी ने जले हुए फोटो के टुकड़े एक जूस के ग्लास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हो? तो बोलो मुझे कितने वोट? कामिनी के दोस्तों ने अपने हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिए। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सजा भी मिलनी होगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के ग्लास में मिला दिया है, तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, कामिनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को जबरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वो प्रीति के मुंह में जूस डाल पाती, एन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। ये हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हाथ इतना कसके पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल गई। बिन माँ की अनिका को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था, और प्रीति तो मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरफ आगे बढ़ ही रही थी, इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे काफी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी, और इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का ग्लास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग की मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील से कामिनी किसी ग्लैमरस मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उसके पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस जमीन की ओर पटक दिया। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फोटो था। वो अपनी सहेलियों को फोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को, ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज्यादा सुंदर दिख रही है। अब तुम लोग बताओ, जिससे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगी ना। जमीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज में कहती है, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर है, बस उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन इस बात पर तो कामिनी तिलमिला उठी, यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरी बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन भी जीत चुकी हूँ। अनिका ने कामिनी के हाथ से ग्लास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ। अनिका ने जमीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इन आंखों को, इस आवाज को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी ही थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामिनी शॉक्ड थी, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतनी फिट, फाइन और गॉर्जियस कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। पहला दोस्त, अरे यार ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? दूसरा दोस्त, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है। तीसरा दोस्त, माय गॉड शी लुक्स सो गॉर्जियस एंड सेक्सी। सबकी आवाज सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआब से कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया, अब जो सजा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का ग्लास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया जिससे जूस का ग्लास नीचे गिर गया। कामिनी गुस्से में झुलस रही थी, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी कैसे बदल गई? और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहां भागते हुए आ गई। उनके वहां देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो माँ पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया तो मुझसे कहने लगी कि अब मैं तुमसे काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सच्चाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया।
बस करो अब अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी? और घर के अंदर चलो, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाजा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी ना जताते हुए और वो सीधा मुद्दे की बात करना शुरू करता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया, हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और एक पेन पड़ा था। अनिका ये सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर पर साइन करने आई थी, फिर ये 2 पेपर्स किस चीज के थे? गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो। वैसे ही उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती थी। बस कुणाल के दादाजी की एक इच्छा है। ये कहते हुए गौतम ने अपना गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फोन करके घर पर आने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पर आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचा गिर सकते हैं। एक पल के लिए भले ही अनिका थोड़ी कमजोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए मेज पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाया और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका सब कागज पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ कीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहां से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जो आज तक उसके पापा की हर एक बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले एक बिन बिहाई माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इतनी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या? अब अपनी बहन की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका घर के मेन गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से मुझसे जलती हो। अनिका ने कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर देख चुकी हो, और रहा सवाल बचपन का तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी वो तुम्हें तो रख लेती थी। लगता अभी भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो, तो ठीक है कर लो कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन इसके बावजूद उसके मुंह से कभी चू तक नहीं निकलती थी। शायद इसलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बहला फुसला कर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहला कर उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार, हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता देख सब लोग गहरे शौक में थे। अनिका के मुंह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी पहली बार सुन रही थी, और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था।
वो घुर्राती हुई अनिका से बोली, समझती क्या हो तुम खुद को? वजन घटा लिया तो जबान भी लड़ाना सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी। दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुरा कर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाए। अनिका की ये बात सुनकर न जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज आई, कहां गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वहीं खड़ी कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी।